नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जो रिज़ल्ट है टायर टू का कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था SSC के। दोस्तों, बेसिकली जो एग्ज़ामिनेशन है दोस्तों, वो 3 टीयर में होते हैं, और उसमें से जो सबसे पहला टीयर होता है वो है, पहला है प्रीलियम, दूसरा है मेंस और तीसरा है टाइपिंग, जो कि है स्किल टेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी गिवन है। इसका जो रिज़ल्ट नोटिस है दोस्तों टीयर टू का, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। दोस्तों, जो डिक्लेरेशन है रिज़ल्ट ऑफ टीयर टू की डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो दोस्तों जो डिक्लेरेशन है रिज़ल्ट ऑफ टीयर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन CHSL E 2020 की है। तो दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वो 9 जनवरी 2022 को हुआ था टीयर टू का, जिसमें 45,480 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे टीयर टू का एग्ज़ाम देने के लिए। टीयर टू का एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो 28,133। और दोस्तों, जो टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, वो 1 जुलाई 2022 को होगा दोस्तों। और यहाँ पे कट ऑफ भी गिवन है कैटेगरी वाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स अवेलेबल थे उसकी भी जानकारी गिवन है। तो दोस्तों, जो UR कैटेगरी की कट ऑफ है LDC, JSA और PA और SA पोस्ट के लिए, UR कैटेगरी की कट ऑफ जो निकली है वो है 209.546। OBC की जो कट ऑफ निकली है वो है 199.666। SC की जो कट ऑफ निकली है वो है 178.160। SC की जो कट ऑफ निकली है वो है 174.53। और EWS की जो कट ऑफ निकली है वो है 181.920। तो इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो DEO पोस्ट के लिए कट ऑफ निकली है वो कुछ इस तरह से है। UR कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 260.538। OBC की कट ऑफ है 252.850। SC की कट ऑफ है 225.625। और ST की कट ऑफ है 216.856। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 243.353। मार्क्स जो है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के, वो अपलोड हो जाएंगे कमीशन की वेबसाइट पे 20 मई 2022 को। तो आप इस नोटिफिकेशन को दोस्तों अच्छे से गो थ्रू करें। यहाँ पे सारी जानकारी, आपको जो भी रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है, पर जैसे कि अभी रिज़ल्ट आया है, तो हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या फिर कोई डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोग की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है, जहाँ पे अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो राइट अ रिप्लाई सेक्शन पे जाके रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।